गुड मॉर्निंग, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पहला पाठ है भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। तो आइए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन पर एक दृष्टि डालें। महादेवी वर्मा जी का जन्म 11 सितंबर सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। महादेवी जी वर्मा का जन्म 7 पीढ़ियों के बाद हुआ था, अर्थात इनके कुल में 6 पीढ़ियों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इनकी कुल देवी थी महादेवी और उनकी बहुत पूजा उपासना, बहुत मन्नतों के बाद महादेवी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए माता पिता ने इनका नाम महादेवी रखा, कुलदेवी महादेवी के नाम पर ही इनका नाम नामकरण हुआ, इनका नाम महादेवी रखा गया। क्योंकि इतने दिनों बाद इस कुल में किसी कन्या का जन्म हुआ था, सो महादेवी वर्मा जी के माता पिता, उनके परिवारजन उनसे असीम स्नेह करते थे। इनके 2 छोटे भाई और 1 बहन भी थी। बहन का नाम श्यामा देवी था और इनके भाइयों का नाम क्रमशः श्री मनमोहन वर्मा और श्री जगमोहन वर्मा है। महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। इनके विवाह से संबंधित एक रोचक कथा है। महादेवी वर्मा जी का जब विवाह हो रहा था, इन्हें दुल्हन के रूप में सजाया गया था, तो जब बारात आती है और लोगों में खबर फैलती है बारात आ गई, तो महादेवी वर्मा जी ने अपनी चुन्नी फेंक दिया और दौड़कर बारात आई कहकर उसको देखने चली गई थी। और फिर इनकी पढ़ाई बीच में अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने फिर से अपने घर पैतृक गृह, मतलब अपने माता पिता के पास आकर अपनी पढ़ाई शुरू की। इन्होंने 1920 में मिडिल क्लास पास किया, 1926 में इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया और 1928 में इन्होंने बीए पास किया। 1933 में इन्होंने संस्कृत विषय से एमए किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थ वेट गर्ल्स कॉलेज से हुई थी। बीए और एमए इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। ये 1965 तक प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्या भी रहीं। अब बात करते हैं इनके लेखन क्षेत्र की। तो इन्होंने गद्य पद्य दोनों में लिखा था। इनका गद्य जो है बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। गद्य क्षेत्र में इन्होंने निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना आदि विधाओं में रचना की तथा इन्होंने संपादन कार्य भी किया। इनका काव्य जो है वो भी उत्कृष्ट कोटि का था। चूंकि ये छायावाद की कवित्री थीं, तो छायावाद में रहस्यवाद का बाहुल्य था, सो इनकी रचनाओं में भी रहस्यवाद था। इन्हें काव्य के क्षेत्र में आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था और इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी जगत रूपी विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा था। ये छायावाद के चतुष्टयी में आती थीं। छायावाद की चतुष्टयी का मतलब छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि थे, जो मुख्य कवि थे, 4 कवि थे, उनमें महादेवी जी का नाम आता था। वे 4 कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्हें भारत सरकार से अनेकों पुरस्कार भी मिले थे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, शिक्षरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला हुआ था। और सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुई थी। तो इनकी जीवनी में बस इतना ही, आगे हम इनका चैप्टर भक्तिन पढ़ेंगे, जो भक्तिन आगे इनका चैप्टर भक्तिन पढ़ेंगे जो रेखाचित्र विधा में है।